दोस्तों, कैसे हो सब? यार बहुत टाइम से गायब था और वीडियोस जो हैं मैं अपडेट नहीं कर सका किसी वजह से, लेकिन इंशाल्लाह जो है अब आपको जो है बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, इवन कि एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं हर चीज़ के बारे में। जिस दोस्त को कोई भी इस तरह की नॉन कस्टम गाड़ी चाहिए तो जो है मैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करूँगा। जो है ज़्यादा चीज़ें जो है वो बकवासियात नहीं करते और जो है वीडियो की तरफ जाते हैं। आज हमारे पास एक ये है एक्जियो जी हाइब्रिड, ये एक दोस्त ने मंगवाई है और नॉन कस्टम। आइए जी, ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह स्क्रैचलेस गाड़ी है जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कलर ज़बरदस्त कलर है इसका। और ये हमें गाड़ी जो है कितने की पड़ी है ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और कैसे आई है ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ये बाकायदा जो है ये बंदा हमें इधर दे के गया है जी, ठीक है। ये हमें डिलीवर हुई है जो है। अब हमारे पास कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो जिस दोस्त को भी गाड़ी चाहिए हो तो बेशक जो है हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम इवन के नंबर भी आपको प्रोवाइड करेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट जो है शोरूम वाले का, कि जो जिस शोरूम से गाड़ी मिलती है। वेल, ये गाड़ी जी है जी एक्स, वो है इसका जिस तरह जी होती है ये एक्स है जी, और ये वो है अपना की स्टार्ट है, पुश स्टार्ट नहीं है, ठीक है, हाइब्रिड है जी। आए आपको गाड़ी दिखाते हैं जी, देख सकते हैं आप वैसे इसकी शाइन कलर बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ बात ही कोई नहीं है। ये दोस्त हैं हमारे, जो जो लास्ट हमने वीडियोस अपलोड की थी, ये जो वीडियो अपलोड की थी ये उसी के साथ जो है अपना दूसरी गाड़ी उन्होंने मंगवाई है, और पुरानी वाली का क्या किया ये नहीं पता जनाब। गाड़ी जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में आते आते कुछ कबाब शबाब बीच में लेके आए, खुशबू बीच में कबाब की आ रही है बड़े मज़े की। और लाइट अंदर ऑन कर लेते हैं जी। अच्छा, इसमें सबसे मज़े की बात आपको बताऊं जब मैं बैठा हूं, वो चले खैर वो आपको मैं बाद में बताता हूँ, देखते हैं जी चली भी कितनी है। अच्छा, हाइब्रिड में ये सीन होता है जी, जैसे कि आप देख सकते हैं मीटर आपके सामने है, इसमें ये होता है कि ये सिर्फ एक ही दफ़ा आपने, ये देखें जी चाबी, ज़रा चाबी की तरफ करें जी, ये देखें जी सिर्फ आपने एक ही दफ़ा यूँ किया ना, अब गाड़ी जो है ना वो सेल्फ सेल्फ नहीं मारती। ये क्योंकि है हाइब्रिड है तो इसलिए बस अब आप ये रेडी है, अब इसको मैं अगर गियर लगाऊं और जाना शुरू कर दूं तो बस ये स्टार्ट है जी, बस हमने जो है हम जा सकते हैं। ठीक है जी, ये एक्सलेटर मैं एक्सलेटर दूंगा और काम जो है, अब अगर एक्सलेटर देने के बाद जो है इंजन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसको अभी हम बंद करते हैं जी। ये जैपनीज इसके अंदर वही आता है अपना क्रोजेरिया का ऑडियो सिस्टम है, ठीक है। स्क्रीन स्क्रीन जो है वो आपको, अच्छा स्क्रीन जो है एज़ यूजुअल इनके अंदर जैपनीज ही आती हैं, वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि जो है जैपनीज लैंग्वेज है वो होती नहीं है अपना हमें, क्योंकि इंग्लिश में चेंज हो नहीं सकती तो ये चेंज करना ही पड़ता है। अच्छा, बाकी आप देख सकते हैं टच सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग और जो है वो सब कुछ ऑटो है और जो है एज यूजुअल। अच्छा, इसके एक और मज़े की बात जो एक्स में फीचर है वो ये है कि जब आप इसका दबाएंगे अपना बटन, तो ये बटन से जो है ना ये मिरर्स खुलते हैं, चेक करते हैं जी कहाँ से। हाँ यही है जी, जैसे कि खुल गया, ठीक है इसको बंद कर देते हैं। वैसे इस दोस्त से बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली है दोबारा कि जी इस वीडियो, मैंने कहा जी हमने किसको वो करनी है वीडियो भेजनी है कौन सी, तो जो है आप हमें इसकी इजाज़त दें ताकि हमारे पास जो व्यूअर्स हैं उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। कोई अगर चाहता है, जिस तरह लोगों की गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जाती हैं और चाहते हैं कि जी नॉन कस्टम हम ऊपर इसके ऊपर गाड़ियाँ जो है वो चढ़ा दें या उसके दरवाजे डिग्गी इंजन चेंज कर दें, तो ये कर सकते हैं। चोरी की गाड़ी नहीं है, सिर्फ नॉन कस्टम है और अवेलेबल है हमारे पास, ये स्वात में अवेलेबल है, धीर में अवेलेबल है। गाड़ी की कंडीशन भी आप देखें माशाल्लाह, ये देखें जी डैशबोर्ड, ये तकरीबन मेरे ख्याल में शीट में 3.5 के 4 की जी ग्रेड है, 3.5 ग्रेड है, मैं मुझे सब याद नहीं। अच्छा वैसे इसका ये कंसोल जो है ना ये कंप्लीट नहीं है, जो कि मुझे ये बात पसंद नहीं है क्योंकि मुझे तो यूँ हाथ रखने की आदत है, लेकिन ये कि यहाँ पे रख सकते हैं हम हाथ। अच्छा जी, ये चार्जर चार्जिंग के लिए और ये लाइटर वो है जी, ये इको मोड, फिर जी म्यूज़िक अगर डायरेक्ट, अच्छा ऑफ भी कर सकते हैं ये जी, देख लें ऑप्शन कुछ तो, शायद मुझे भी नहीं पता होंगे शायद आपको पता हो, बाकी गाड़ी ऑटो है एज यूजुअल जो आपको पता है। अच्छा, इसकी सबसे बड़े मज़े की जो बात है वो मैं आपको एक और बताऊं, अच्छा ये देखें हमारी पाकिस्तानियों गाड़ियों में इस तरह होता है, पाकिस्तानी गाड़ियों में जब हम इसका बटन दबाते हैं तो जो है ना जी ये डस की आवाज़ आती है। इसका मैं ये बॉनेट खोलूँगा, खुल गया जनाब ये बॉनेट, आवाज़ नहीं आई। आइए जी इसका इंजन चेक करते हैं, इंजन कैसा है, चाबी निकाल देते हैं कहीं अंदर बंद ही ना हो जाए।
इंजन की तो क्या ही बात है, क्या ही कहने, देख लें जी, खुद ही देख लें जी। विंड कंडीशन इंजन है जी, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। हर एक चीज आप देख लें, कोई चीज चेंज, कोई ये नहीं है कि जी किसी को बत्ती चाहिए थी, बत्ती निकाल के जो है किसी और को दे दी, लाइट शाइट कुछ भी चेंज नहीं है, सब टोटली अपनी हालत में है गाड़ी। लाइट्स इसकी हर चीज़ आप देख लें, इवन कि हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे उनके शोरूम्स हैं कि जो गाड़ी आप कहेंगे वही गाड़ी आपको मिलेगी भी। डिपेंड करता है जब आपको डिलीवरी करवानी है कि आप खुद लेके जा सकते हैं, ये नहीं पता जी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मैं सारी दे सकता हूँ, ठीक है जी। इवन के जो है इन लोगों के आपको कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, बाकी आप कमेंट में जो है मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जनाब। अब जो है इसको इसकी साउंड चेक करते हैं जी, कैसे है? मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, आपने देख लिया जी इंजन की साउंड कि कैसी थी, ठीक है। और हाइब्रिड, सच्ची बात आपको बताऊं तो हाइब्रिड का इतना मैं भी नहीं समझता, क्योंकि इसकी जो है जो इंजन की साउंड थी अच्छी ही थी, मुझे तो ठीक ही लगी है। बाकी आपको, अगर आप लोगों में से भी पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड गाड़ी चला रहा होगा तो उसको पता होगा कि जी कैसा है इसके इंजन की साउंड कैसी थी। इसको जी बंद करेंगे, आप देखें जी हर एक दरवाज़ा आप बॉर्डर लाइन देखें जी, कहीं पे भी गाड़ी इस बंदे का कमाल ही। अच्छा आपको एक और बात बताऊँ जी, जो नॉन कस्टम गाड़ियाँ आती हैं दो तरह की आती हैं, एक आता है छत कटा हुआ, जब छत कटा हुआ आता है जी ये पिलर्स कटे हुए होते हैं, दोबारा वेल्ड हुए होते हैं जनाब, उस गाड़ी की कीमत जो है ना वो कम होती है। ये जी छत कटा मटा हुआ वो सीन नहीं है, ये टोटल जेन्युइन गाड़ी है, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ी सी महंगी भी है, ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट 13-14 लाख रुपये की ये पड़ जाती है जी। और सीट्स आप बाकी हर एक चीज़ खुद ही देख सकते हैं, और जो है ये इवन कि अगर मैं तो कहता हूँ कि स्पेयर पार्ट में ही बिके तो 13-14 की तो आराम से निकल जाएगी, लेकिन ये कि 13-14 लाख रुपए में तकरीबन 14 लाख प्लस माइनस है, क्योंकि इसमें डिलीवरी जो है उसके भी चार्ज वो होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी पे डिलीवरी। अच्छा दो बातें हैं, अगर आपको जिम्मेदारी मतलब कि बंदा जो है अगर गाड़ी कहीं पकड़ी जाती है तो वो जी रिस्पॉन्सिबल होगा, वो आपको फिर जो है इसी तरह की गाड़ी डिलीवर करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो आप जो है इस चीज़ से नहीं घबराएं कि जी ये ना हो कि कल को गाड़ी मेरी पकड़ी जाए और ये हो जाए और वो हो जाए, ठीक है जी। ये देखें इसका ट्रंक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, मैं दूसरे मोबाइल से जो है लाइट लगा के अपना जो है आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ ये देखें जी, ठीक है जी, ये फिर हर एक चीज़ आप देखें माशाल्लाह बड़ी डिटेल में हर एक चीज़ मौजूद है जी, और हर एक चीज़ पॉलिश्ड और बहुत साफ़ सुथरी है। ऐसे जो जैपनीज हालत है ये बिल्कुल वैसी ही जैपनीज हालत में आपके पास है, ये सामने है आपकी गाड़ी। उस्मान भाई आज हमारा वीडियो में साथ दे रहे हैं जी, थैंक यू सो मच उस्मान भाई, वेलकम। और ये है जी बाकी, आप फ्रेंड्स को अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन करना हो। अच्छा टायरों का जी ये होता है कि टायर कभी कभी अच्छे आ जाते हैं, कभी इस तरह होते हैं, ये खैर ये तो रिम वाला नहीं है, क्योंकि एज मैंने आपको बताया था कि वो है अपना एक्स है, तो एक्स पे मेरे ख्याल में जी रिम आते नहीं है, तो ये ऐसी ही आई है, ठीक है जी। तो टायर कभी कभी अच्छे भी आ जाते हैं, कभी कभी जो है इतने खास नहीं होते। देखें डिटेल आप देख सकते हैं इस दरवाजे की भी कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, हर एक दरवाजे को आप चेक करें। गाड़ी जी आपको जो भी मिलेगी मिंट कंडीशन में मिलेगी। उस्मान भाई ज़रा इधर फोकस करके इनको पिलर से एक दफ़ा ज़रा दिखा दें जी, असल में ऐसी ये वीडियोस हमें रात के टाइम ही बनाने का मौका मिलता है जी, तो इसलिए जो है कुछ चीज़ें इसमें वो नहीं होती रोशन, लेकिन जब आप कभी आपका इतफाक़ हो जिस किसी दोस्त को भी चाहिए होगी गाड़ी, तो इंशाल्लाह वो दिन तो सूरज की रोशनी में उस गाड़ी को देख के पसंद करके अपने लिए जो है वो गाड़ी सेलेक्ट कर सकता है जी। गाड़ी वेट्स
लैंड क्रूजर से लेके विट्स तक, ऑल्टो, हर एक अवेलेबल है जी। अमेरिकन गाड़ी थोड़ी कम अवेलेबल होती है क्योंकि उसकी जो है ना इतनी डिमांड नहीं होती। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।